मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में जब गए हैं तो उनके खिलाफ सभी सबूतों को पहले जांचा परखा गया है और तब ईडी के कहने पर जो भी प्रोसेस हुआ है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ है। अचानक से बेल मिलना जो फैसला आया था उनके ऊपर अब जैसे स्टे लगा है हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कहा है कि आप कभी भी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी की वर्किंग पर। खुद को पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं लेकिन जब हाईकोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और अभी हाईकोर्ट ने जिस तरह से स्टे लगाया है तो ये ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन कोर्ट ने दिया है वो फैक्ट्स के ऊपर दिया होगा, जो भी डेटा है उसके ऊपर दिया होगा। दिल्ली की मंत्री समस्या को सुलझाने की बजाय अगर अनशन पर बैठेंगी और उस अनशन पर बैठकर राजनीति करेंगी मुद्दों की, तो दिल्ली की जनता का क्या हाल होगा? वो हॉस्पिटल गई हैं, वो तो अगर उनके लिए कोई दिल्ली की जनता ये सोच नहीं सकती कि उनके लिए गई हैं, क्योंकि उनके लिए अगर वो जाती तो अच्छा होता कि यमुना रिवर बोर्ड के साथ मिलकर काम करती, और हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है, जगह जगह जाकर पानी की लीकेज को रोकती और SCB प्लांट की क्षमता को बढ़ाने पर काम करती। तो जो उन्होंने ड्रामा किया है उसके ऊपर ना जाकर उन्हें दिल्ली की जनता का हल देना चाहिए था, जो वो नहीं दे रहे हैं। मैम, जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव होना है, ओम बिरला जी को फिर से NDA उम्मीदवार बनाया है, के सुरेश जी को इंडिया अलायंस से खड़ा कर दिया है, क्या कहेंगे? पूर्ण बहुमत है, NDA पूर्ण बहुमत से सदन के अंदर है और पूरे संवैधानिक तरीके से सदन चल रहा है। चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक दल का एक पक्ष हो सकता है, तो अब ये चुनाव है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो फैसला आज होना था वो कल हो जाएगा, जीतेंगे तो ओम बिरला जी ही। चलिए, थैंक यू।